हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास सिक्स का हमारा टॉपिक है वोल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 रहेगी। एक्सरसाइज इसकी रहेगी 2.2। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा रीअरेंज करना है और सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है और हमें इसका सम फाइंड करना है। अब देखते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है। देखिए देखिए सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब है, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनको हम ऐसे अरेंज कर लें, इन दो को आपस में ऐसे सम करें कि ताकि हमको अपना थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़े, ठीक है, ज़्यादा हमें अपना माइंड यूज ना करना पड़े। तो इसको हम बोल सकते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट, मतलब जिनको अरेंज करके हमें जो है इसको ऐड करने में ईजी रहे। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है 837 प्लस 208 प्लस 363। तो हमें इसको अरेंज करना है। सबसे पहले तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पहले तो ये पता होगा कि कोई नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से तीन नंबर है तो किसी भी कोई पहले ऐड करो। आप चले ए प्लस बी करो, प्लस सी बाद में कर दो, या फिर आप ए प्लस बी प्लस सी कर लो और जो आता है उसको ए में ऐड कर दो। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी होती है एडिशन में, तो इसी का यूज करके हमें इसको जो है फॉलो करके इसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि 837 प्लस 208 प्लस 363। आप थोड़ा देखिए, यहाँ पर सेवन है और यहाँ पर थ्री है। अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करता हूँ तो हमें जीरो मिल जाएगा, मतलब हमें वन से डिजिट या टेन से डिजिट हो सकता है हमारी जीरो बन जाए। तो हमारा काम यही मेन रहेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, 837 प्लस 363 को पहले ऐड करेंगे, जो आएगा उसको हम 208 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको देखिए कि यहाँ पर 800 और 3 1100, 37 और 63 क्या हो गया, 100 हो गया, तो ये क्या हुआ, 1200 हो जाएगा। तो इसको हम क्या है, मुँह जवानी सोल्व कर सकते हैं, ओरली सोल्व कर सकते हैं। 800 और 300 1100 हो गया, और ये दोनों मिलके 37 और 63 मिलके 100 हो जाएंगे, तो मतलब 1200 हो गया, ठीक। और प्लस 208, तो 1200 और 208, मतलब 1200 और 1300, 1400, 1400 और ये 8 हो जाएगा, तो 1408 आया। तो इसी को हम बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट, जिसमें हमको जो है ओरली हम जिसको सोल्व कर सकें, ठीक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा बी, इसका जो क्वेश्चन है 20 का पार्ट है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। आप देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। मैं अगर इनको इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या है, जीरो डिजिट बन जाएगी। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो इन दोनों को प्लस करूँ तो जीरो डिजिट बन जाएगी, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हमें सेम वही फॉलो करना है। तो क्या करेंगे, 1962 प्लस 1538 को हम प्लस कर देंगे, प्लस और 453 प्लस 647 को हम प्लस कर देंगे, ठीक। अब आप थोड़ा इसको तो चाहें तो ओडली सोल्व कर सकते हैं, या फिर थोड़ा देखिए ऐसे कर लेंगे, 8 और 2 10, 0 कैरी आएंगे 1, 3 और 1 4, 4 और 6 क्या हुआ 10, 0 कैरी आएंगे 1, 5 और 1 6, 6 और 9 क्या होते हैं 15, 5 कैरी आएंगे 1, 1 और 1 2 और 1 3 क्या है 3500 हो गया। प्लस इसको तो सोल्व करते हैं, देखिए 600, 400 कितना हुआ 1000 हो गया, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो मतलब 1100 आएगा यहाँ से। अब ये क्या हुआ, इसको प्लस करते हैं 20, तो 20 आएंगे, 5 और 1 6 और 3 और 1 4। तो ये था सुटेबल रीअरेंजमेंट करना, इसको हम बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।